आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल जारी करते ही पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया है। पहले पाकिस्तान एशिया कप को लेकर रो रहा था और अब जब एशिया कप का मैटर शॉर्ट आउट हो गया है तो अब पाकिस्तान का रोना वर्ल्ड कप को लेकर शुरू हो गया है। अच्छा, सोर्सेस के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आने की सोच रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जी हाँ, सही सुना आपने। पीसीबी के एक स्पोक पर्सन ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कुछ बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि पीसीबी को पाकिस्तान सरकार की इजाजत चाहिए इंडिया जाकर क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान सरकार की मंजूरी बेहद जरूरी है। हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ क्लैरिटी मिलती है, जैसे ही हमें मंजूरी मिलती है इंडिया जाने के लिए, हम वैसे ही आईसीसी से बात करके उन्हें बताएंगे। पाकिस्तान का रोना खत्म ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के ड्रामे जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं। अब जब आपको अपनी सरकार से इजाज़त चाहिए थी तो आप पहले ही बता देते, पहले ही आपको अपनी सरकार से इजाज़त लेनी चाहिए थी, आईसीसी को बताने नहीं चाहिए था कि आपको इंडिया में आके वर्ल्ड कप खेलना है। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि आईसीसी ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी। उस स्टेटमेंट में आईसीसी ने बोला था कि वनडे वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल जारी करने में लेट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। कौन है ये लोग? क्योंकि पाकिस्तान को कोई क्लैरिटी ही नहीं कि उन्हें इंडिया आकर खेलना है या फिर नहीं आकर खेलना है। क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज की देखा जाए तो वो भी इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलेंगी ही खेलेंगी। पाकिस्तान का ये कहना है कि वो इंडिया में सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं आना चाहते हैं। अब जब पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो इंडिया भी वहां जाकर खेलेगी ही खेलेगी, तो पाकिस्तान को इंडिया आने में आखिर क्या प्रॉब्लम है? एशिया कप पे मैटर अटका हुआ था, एशिया कप का भी शॉर्ट आउट हो गया, अब वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी इनका रोना धोना चालू है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।